तो गाइज जा रहा हूँ गाइज मैं, आज मेरा दोस्त है उसका शादी है तो उसी में जा रहे हैं अपन। तो देखते हैं, फर्स्ट लॉकडाउन वेडिंग है तो लॉकडाउन में तो मैं बाहर गया ही नहीं लिटरली, कितना टाइम हो गया। लेकिन आज जा रहा हूँ, दोस्त से ज्यादा बोल सकते हो भाई है मेरा, मतलब बचपन से हम लोग साथ रहे हैं। जा रहा हूँ गाइज, अभी देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे, कैसा सिचुएशन है। एक्चुअली बहुत कम लोग बुलाए, 25 लोग ही बुलाए, 25 लोग ही बुलाए शादी में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 25 लोगों की मतलब कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आप नहीं बुला सकते। तो 25 लोगों को बुलाए, मतलब घर के ही लोग हैं। तो देखते अभी जाऊंगा, अभी जल्दी निकलूंगा अभी थोड़ी देर में, तो मिलते हैं आपको थोड़े टाइम में। तो गाइज अपन है ओला में एग्जैक्ट, एंड लोकेशन जो है वो लोकेशन एग्जैक्टली है सिद्धिविनायक मंदिर, आपको पता ही होगा जो पब्लिक रहते हैं। तो इससे पता चल गया, आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा मैं किधर जा रहे हो, ठीक है? नहीं तो पता है तुम लोग 10 बार लोकेशन पूछोगे एंड मास। मेरे को इतना पसीना हो रहा है गाइस, इतना गर्मी हो रहा है लिटरली। ओला में हूँ मैं, एसी चालू है फिर भी गर्मी हो रहा है। डबल मास्क पहना है मैंने, एंड प्रोटेक्शन के साथ रहो हमेशा। रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। ये चीज़ का ध्यान रखो। एंड लिटरली हम लोग जा रहे हैं अभी सिद्धिविनायक मंदिर पे, तो वहाँ से गाइस वहाँ पे हॉल है वेडिंग हॉल। भी बहुत से लोग हैं जो लॉकडाउन में जा ही नहीं रहे वैसे भी बाहर, तो अभी मेरे को जाना पड़ा क्योंकि मेरा बचपन का ही दोस्त है, भाई है अपना, तो जाना पड़ा अभी मेरे को। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। तो आपको मैं बता दूंगा कि क्या कहाँ पे जा रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, कैसा है वेडिंग हॉल से लेके सब चीज़ें एकदम बता दूंगा आपको, और आपको पता चल जाएगा। एंड गाइज अगर बाहर अगर जा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि मास्क पहनो, एंड सिंगल मास्क से कुछ नहीं होता है, प्लीज़ डबल मास्क पहनो, याद रखो ये चीज़। एंड मैं दिखा देता हूँ आपको, पूरा रोड खाली है, कुछ भी नहीं है रोड पे, मैं दिखा देता हूँ आपको एक सेकंड। ये देखो, ये कोहिनूर होटल, कोहिनूर पार्क है, यहाँ पे है गाइज वेडिंग, मज़ा आ रहा है। लेकिन मेरे को एक चीज़ है ना गाइज, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या दुख हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या है, डोमिनोज, और यहाँ पे देखो क्या है, मैकडोनल्ड। लिटरली भूख लगने लगी है ये सब चीज़ें देख के, एंड खाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। मैकडी भी है यहाँ पे, और साथ ही साथ डोमिनोज भी है। लेकिन चलो कोई ना, किसी और दिन ही सही, नहीं खा सकते बाहर का, क्या कर सकते हैं, सह लेंगे थोड़ा, सह लेंगे थोड़ा सा। तो गाइज आ चुके अपन, आ चुका हूँ मैं अंदर, अभी जा रहा हूँ गाइज। यहाँ पे भी गेट भाई बंद था, लिटरली क्या हो गया पता है, यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे गेट बंद दिखा। लिटरली मेरे को ऐसे लगा कि भाई, मेरे को लगा भाई इन्होंने हॉल बंद कर दिया बहुत जल्दी, और मेरी पार्टी गई। मैं बोला भाई अभी मैं जस्ट आया हूँ और हॉल बंद किया, मैंने फटाक से दोस्त को कॉल किया, क्या रे भाई हॉल वॉल बंद है भाई, कुछ एंट्री वेंट्री है कि नहीं, इज्जत नहीं, इतना बड़ा यूट्यूबर आया है तुम्हारे साथ यार, मतलब कुछ भी। एंट्रेंस बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार एंट्रेंस है। एंड हाय हाय, ये क्या है, जनरेटर, ये गिरगर्दन घाट, अंशुमन अवार्ड, अंशुमन इधर है लगता है। गर, 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 गर। देखते हैं कहाँ जाना है, वे कहाँ पे, मैं ढूंढ रहा हूँ वे हॉल के लिए। तो आई थिंक सो यहाँ पे कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है वो, वे ढूंढ रहा हूँ मैं कब से, एंड तो ऊपर जाना है, फर्स्ट फ्लोर दिखा रहा है वो। चलो गाइस फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, यहाँ पे देखो। तो भाई यहाँ पे भाई वापस से सीढ़ी, भाई लिफ्ट, अबे लिफ्ट नहीं यार, वापस से अभी चढ़ के जाना पड़ेगा। चलो जाते हैं ऊपर, अभी देखते हैं इम्प्रेस हॉल। अरे हॉल किधर है, इम्प्रेस तो मैं हर एक को करता हूँ, इम्प्रेस हॉल दिखा हुआ है। आपको मेरा आउटफिट देखना, तो मैं आउटफिट भी दिखा देता हूँ। ये आउटफिट है एकदम सादा सादा आउटफिट है, कुछ ज़्यादा इतना ये नहीं किया मैंने, नॉर्मल आउटफिट पहना है। तो जाते अपन अभी ऊपर, चलो। देखो गाइस पूरा वेडिंग शूट है जहाँ पे, यहाँ पे हॉल है, ये पूरा हॉल है गाइस वेडिंग का, देख सकते हो आप। बहुत सही है, पूरा व्यू दिखा दूंगा मैं आपको बाद में। मेरा दोस्त हो गया है शूट करने, अभी उसको आएगा बाद में, तो आने के बाद अभी मैं पहले खाना खा रहा हूँ। देखो पीछे खाना है, तो मेरे दोस्त ने बोला पहले खाना खा ले, उसका चल रहा है गाइस शूट, फोटो शूट चल रहा है, तो अभी खाएगा, अभी अपन खाएगा मस्त, एंड देन बाद में मिलते हैं गाइस। चलो अभी मैं खाना खा लेता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा आपको प्लेट में क्या क्या है, बहुत लजीज खाना लग रहा है मेरे को। गए
कैसा लग रहा है आपको शादी हुआ आपका? हाँ लग रहा है थोड़ा थोड़ा अच्छा भी। डर लग रहा है क्या? डर नहीं लग रहा है। तो गला क्यों खारिज कर रहे हो? गला डर लगता है? डर लग रहा है। स्वीट खाया ना इसीलिए। गाइस ये मेरा भाई है, ठीक है, बचपन से मेरे साथ, लेकिन आज थोड़ा डरा डरा लग रहा है, लगता है आज टेंशन में बहुत ज़्यादा शादी के बाद। हिमू शादी के बाद कोई कौन टेंशन में नहीं रहता है। सुन रहे हो गाइस क्या बोल रहे हैं? चलो गाइस हो चुका है सब चीज़, अभी जा रहे हैं कॉन्गो मेरे भाई के लिए, तो उसका कॉन्गो मेरे भाई को कि उसकी मैरिड लाइफ एकदम मस्त जाए, एकदम मौसम जाए एंड भाई खुश रहे वो हमेशा। एंड मेरा भाई है यार, मैं दोस्त भी नहीं बोलूँगा, वो मेरा भाई है, तो बचपन से हम लोग साथ ही है, तो भाई बोलता हूँ मैं हमेशा उसको, मेरा बड़ा भाई ही है। तो गाइस अभी चलो हो चुका है, अभी निकल रहा हूँ मैं घर के लिए जा रहा हूँ, सब चीज़ आपको मैं बाकी सारी चीज़ें तो दिखा दिया। वह गैदरिंग इतना कुछ ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, फिर सिर्फ 20-25 लोग थे, तो ज़्यादा कुछ गैदरिंग हुई नहीं वैसे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा करने को था नहीं। मैंने आपको थोड़ा सा थोड़ा बहुत एकदम शॉर्ट जो लॉकडाउन में वेडिंग होता है वैसे कुछ दिखा दिया मैंने कि लॉकडाउन में अगर वेडिंग होती है तो कैसे होती है। कुछ ज़्यादा मचमच नहीं रहती, एकदम 20-25 लोग रहते हैं हार्डली, एंड उतने लोगों में भाई मेन इम्पोर्टेंटली है लोग आने से ज़्यादा लोगों का प्यार आना ज़रूरी है। एंड उसके साथ साथ गाइस उसके साथ साथ इतना सब अच्छा चीज़ संपन्न हुआ, अच्छी शादी हुई, इतनी अच्छी शादी संपन्न हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं भी सोच रहा था कि कोई लड़की देख लूँ, लेकिन ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ पे आई नहीं थी वैसे, 25 लोग थे, तो अपने कैटेगरी में कोई बैठी नहीं, तो जान दो नेक्स्ट टाइम। मैंने सोचा था कुछ अच्छा चीज़ लेकिन बेटर लग नेक्स्ट टाइम, नो वरीज़।